फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर चैप्टर 5 पार्ट 2. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. या सेल वॉल, वी हैव टू स्टार्ट विथ सेल वॉल. ओके, सो इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल, हियर इट इज एनिमल सेल. ओके, सो द आउटर कवरिंग इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. बट इन प्लांट सेल देर आर टू कवरिंग्स, वन इज इनर कवरिंग एंड वन इज आउटर कवरिंग. सो द इनर कवरिंग, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. क्लियर? सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल प्लाज्मा वी कैन कॉल इट. ओके, बट दिस इन प्लांट सेल देर इज एन आउटर कवरिंग ऑल्सो, दिस इज नोन एज सेल वॉल. क्लियर? So it is not present. It is not present in animal cell, but it is present in plant cell. Clear? So here you can see in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. Okay, the cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. So plant cell mein kisse composed hote hain? Cellulose. Clear? Cellulose is a complex structure and provides structural strength to the plant. So ye cellulose kya provide karte hain? Strength to the plant. Okay. So when a living plant cell loses water through the osmosis, there is a shrinkage. अभी हमने three types of इसे first part में हमने three types of solution पढ़ा था, hypertonic, hypertonic and isotonic solution. ठीक है? So इन तीनों solution में हमने देखा था कि जब water जो है वो अगर बाहर जाता है cell के तो क्या होता है? Shrink हो जाता है. ठीक है? That is hypertonic solution. And जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी चला जाता है. ठीक है? तो अगर एनिमल सेल में अगर पानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वी हैव स्टडीड दैट द सेल गेट इनफ वाटर, मोर वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स सोलेंस एंड समटाइम इट्स बर्ड्स. ठीक है? सो एनिमल सेल में क्या होता है, वो बस्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी हो जाता है और उसके वजह से ये जो फोर्स है, इनसाइड फोर्स जो है वाटर का, वो ये झेल नहीं पाता है एनिमल सेल और वो बस्ट हो जाता है. ठीक है? लेकिन प्लांट सेल बस्ट नहीं होता है क्योंकि देयर इज टू कवरिंग. ओके, सो ये जो बाहर की कवरिंग है सेलुलोज से बनी होती है, काफी पावरफुल होती है, इसलिए ये क्या करती है, इसे प्रोटेक्ट करती है. क्लियर? Here you can see the wall exert an equal pressure against the soilent cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. Okay. Now the nucleus. Second one is nucleus. What is nucleus? In every cell, we have seen that there is a center part. There is a center part which is known as nucleus. Okay. Nucleus. यू कैन सी न्यूक्लियस के अंदर डबल लेयर होता है. ठीक है? तो ये लेयर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसे इस बाकी जो साइटोप्लाज्म है उससे अलग करता है. ठीक? अभी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन पोर है. ठीक है? न्यूक्लियर पोर है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है? पोर्स यानी होल्स होते हैं, जो कि क्या करता है, कुछ चीजों को इस साइटोप्लाज्म से अंदर लेता है. ठीक है? और यहाँ से कुछ चीजों को बाहर आने के लिए अलाउ करता है. ठीक है? जैसे कि हमने इसका फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी होता है. नाउ यू कैन सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म से जो भी चीजें जरूरत होती है वो लेता है. ठीक है? नाउ न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल. ठीक है? क्रोमेटिन मटेरियल, व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये यू कैन सी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे अंदर भरा होता है. ठीक है? तो इसे कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल. क्लियर? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे थ्रेड होता है, धागा होता है, पूरा अंदर इस तरह से भरा होता है. ठीक है? जब ये सेल डिवाइड, एक सेल जब डिवाइड होने वाला होता है, टू पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड होता है, तो जब दो पार्ट में डिवाइड होने वाला होता है तो उससे पहले एक प्रोसेस होती है कि ये जो सारा क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है? तो क्रोमोसोम क्या होता है,
ये जो है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कितने पेयर्स में? ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? सो जब ये यहाँ पे डिवाइड होंगे तो अलग अलग दो में यहाँ पे हाफ हाफ हो जाएगा। क्लियर है? 23 पेयर से 23 डिवाइड हो जाएगा। सो ये क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। अब ये जो एक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, ठीक है, यह क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन, ये जो आगे की जनरेशन को पास करने के लिए, या हम कह सकते हैं हमारे अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्रोथ कैसी होगी, ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोसोम कम्पोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है डीएनए के अंदर? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अब डीएनए के अंदर एक फंक्शनल सेगमेंट्स होता है जिसे कहते हैं जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए एंड प्रोटीन होता है। डीएनए किससे बना होता है? जीन्स से बना होता है। जीन्स क्या है? फंक्शनल सेगमेंट है, यानी सारा जो इन्फॉर्मेशन है कि आगे का जनरेशन या जो हम है हम कैसे बने हैं, ठीक है, कि हमारा कलर क्या होगा, हमारे हाइट क्या होगा, ये सारा कौन डिसाइड करता है? ये सारा इन्फॉर्मेशन जीन्स से आता है। क्लियर? इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। ठीक है, तो जो सेल डिवाइड होने वाला होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल वहीं पर उसी सेल्स में क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, नहीं तो वो हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं? एज अ क्रोमेटिन मटेरियल। सो कुछ न्यूक्लियस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यूक्लियस न्यू सेल्स। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, ठीक है, और या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है बाय द डिवाइडिंग ऑफ न्यूक्लियस और सेल। ओके, अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनके अंदर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस में कोई कवरिंग नहीं होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसका मतलब इसके अंदर का जो मटेरियल है वो इस सेल के अंदर इसी तरह फैला होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो भी न्यूक्लियर प्रोटीन है, ठीक है, जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर ही होता है, इस सेल के अंदर पूरा घूमता हुआ नहीं होता है, फैला हुआ नहीं होता है। जो पुराने टाइप्स के कुछ सेल थे जैसा कि बैक्टीरिया के सेल्स, उनमें क्या होता है कि कोई मेम्ब्रेन नहीं है जिसकी वजह से ये पूरे सेल में ऐसे ही फैले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेल जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी पुराने तरीके का, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, पुराने तरीके का न्यूक्लियस जिनके अंदर होता है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? नाउ साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस और जो सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में लिक्विड फील्ड होता है। ठीक है, लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमने 8th में पढ़ा है। सो ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। ठीक है, इनके सेल्स के ऑर्गन्स को सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सो ऑल दीज आर सेल ऑर्गेनेलीज। सो लेट अस स्टार्ट विथ सेल ऑर्गेनेलीज। सो
we have seen various cell organelles, okay, that is endoplasmic reticulum, cell apparatus, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria. So these are the organs of the cell, and these are bound within cell membrane and cytoplasm, okay. So organs of cells are known as cell organelles. So let us start with our first cell organelle, that is endoplasmic reticulum. Clear? There are two types of endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Okay, here you can see न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है. तो इनके ऊपर ये देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें क्या है, इनके ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, जिनकी वजह से इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है. ये रफ जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम. और ये देखिए, ये पीछे साइड कुछ स्मूथ है, इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो ये क्या कहे जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो स्मूथ और रफ में डिफरेंस क्या है, रफ के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स क्यों जरूरी है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज प्रोटीन. ओके, सो इनकी वजह से ये जो राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड, सेल्स के नीड के हिसाब से जहां उन्हें सेंड करना होता है, वहां उन्हें सेंड कर देता है, ठीक है, सेल फंक्शनिंग के लिए. एंड ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या फंक्शन करते हैं, लिपिड और प्रोटीन, सॉरी लिपिड एंड फैट बनाते हैं, और फिर इन्हें जो सेल्स के अंदर जहां भी उनकी जरूरत होती है, वहां उन्हें सेंड कर देते हैं, ठीक है. सो दिस वॉज द सेल, एंड हियर यू कैन सी दिस प्रोसेस, ठीक है, कि जहां भी सेल बिल्डिंग की जरूरत होती है, सेल मेम्ब्रेन की, वहां पर ये लिपिड और फैट प्रोटीन जो भी यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, प्रोटीन लिपिड, ये सब इन्हें हेल्प करते हैं बिल्डिंग प्रोसेस में, सेल बिल्डिंग प्रोसेस में, ठीक है. एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. क्लियर. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स, और जो कुछ प्रोटीन लिपिड्स एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स की तरह, ठीक है. ऑल्दो द ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स. सो इनकी जो अपीयरेंस हो सकती है, जो दिखाव हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है, वो अलग अलग सेल्स में थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, ठीक है. एंड इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क स्ट्रक्चर. तो जैसे आपने देखा था कि ये हमेशा नेटवर्क स्ट्रक्चर ही बना के रखते हैं, ठीक. सो हियर you can see the function of endoplasmic reticulum. One function of the endoplasmic reticulum is channel, जो channel की तरह मैंने बताया, channel की तरह यहाँ से क्या होता है, ribosome या smooth में क्या होता है, fat and lipid, वो सब एक जगह से दूसरी जगह transport करना, ठीक है, between the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus, okay. The endoplasmic reticulum also functions as cytoplasmic framework providing a surface for the biological activities of the cell. In liver cells of the group of animals called vertebrates, the smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying, ठीक है, बहुत सारे जो poisonous चीजें होती हैं, उन्हें हमारे बॉडी से निकालने में भी कौन हेल्प करता है, सेल्स से बाहर निकालने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ द नेक्स्ट वन इज गोल्गी एपरेटस. ओके, हियर यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस. ओके, सो यहाँ देखिए कि गोल्गी एपरेटस कैसा है, ये वेसिकल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये जो है ये वेसिकल्स है, ये एक के ऊपर एक, यहाँ देखिए ये जुड़े नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है, बट दे आर नॉट ज्वाइंट एज वी हैव सीन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसे ही स्ट्रक्चर है, बट दे आर ज्वाइंट एंड इन गोल्गी एपरेटस दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू इच अदर. ओके, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, ये क्या करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी प्रोटीन फैट लिपिड्स बनाया है, उनको ये क्या करते हैं, वेसिकल्स, यानी कि ये छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं. यहाँ देखिए ये क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये वेसिकल्स बनाते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है, तो न्यूली फॉर्म वेसिकल, देखिए वेसिकल बन रहा है. सो यहाँ पे जो भी प्रोटीन वहां से बनके यहाँ आया है, तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर उन्हें पैक करेंगे, ये पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है. सो इनके अंदर क्या करेंगे, उन्हें
पैक करेंगे, पैक करेंगे और यहाँ सेल के अंदर जहाँ भी उनकी नीड होगी वहाँ पर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। गोल्गी अपरेटस क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। ठीक है, क्या करते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स में उन सारी चीजों को, लिपिड, प्रोटीन, फैट्स को पैक करते हैं, पैकेज करके और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये एक और काम करते हैं, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम भी बनाते हैं। यू कैन सी, ओके, दे आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू इच अदर इन अ स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। ठीक है, एक के ऊपर एक बने होते हैं, इन्हें सिस्टर्न कहा जाता है। दिस मेम्ब्रेन ऑफ्टन हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इनका कनेक्शन होता है एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। ठीक है, सो इनका मेन काम क्या है? पैकेजिंग है, स्टोरेज है, इनका काम है ना। द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, बनाने में भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम। ओके, सो लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये क्या करते हैं? वेस्ट डिस्पोजल का काम करती हैं। तो सिस्टम ऑफ द सेल, किसने बनाया इसे? इन्हें बनाया गोल्गी एपरेटस ने, वो भी डिस्पोजल का काम करती हैं, पर ये क्या काम करते हैं? वेस्ट जो मटेरियल है वो ये डिस्पोज करते हैं। ठीक है, लाइसोसोल हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, जो भी सेल के अंदर फॉरेन मटेरियल आ गए हैं उन्हें डाइजेस्ट करके, यानी वेस्ट मटेरियल आ गए उन्हें डाइजेस्ट करके उन्हें क्या करते हैं? खत्म करती हैं। ठीक है, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलिज, जो सेल ऑर्गेनेलिज, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उसके कई सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी काम करना बंद कर देते हैं, खराब हो जाती हैं, उन्हें क्या करते हैं? वहां से सेल्स के अंदर से बाहर निकलती है। फॉरन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल्स सच एस बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलिज एंड अप इन द लाइसोसोम विच ब्रेक दैम अप इन टू स्मॉल पीसेस, तो ये क्या करते हैं? उन्हें स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। लेट अस सी, हियर यू कैन सी ये क्या है, गोल्गी एपरेटस क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये लाइसोसोम्स हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सो दे आर कैपेबल ऑफ बर्स्टिंग और डाइजेस्टिंग एनीथिंग्स। ठीक है, सेल के अंदर कुछ भी अगर खराब हो रहा है तो वो क्या करेगा? उसके साथ जाके एसोसिएट कर देगा। ये देखिए, यहाँ पर ये पार्ट है, फॉरेन पार्ट है। ठीक है, सो ये सेल के अंदर नहीं होने चाहिए थे, इसलिए क्या करता है? लाइसोसोम इनके साथ कनेक्शन बनाता है और अंदर जाके उन्हें क्या करता है? डाइजेस्ट करता है और सेल के बाहर जाके उन्हें बस्ट कर देता है, एक्सोसाइटोसिस एंड एलिमिनेशन, यानी सेल्स के बाहर उन्हें कर देता है। ठीक है, इसी तरह से यू कैन सी हियर लाइसोसोम्स फॉरन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एस बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलिज एंड अप इन द लाइसोसोम विच ब्रेक दैम इंटू ए स्मॉल पीसेस, और आपने देखा था अभी उन्हें स्मॉल पीस में ब्रेक कर देता था। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, क्या होता है उनके पास? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द मटेरियल डाइजेस्ट ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल, जो किसी भी तरीके की चीज होती है सेल्स के अंदर वो उन्हें क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबोलिज्म। ठीक है, सेलुलर के अंदर, सेल के अंदर कोई भी फंक्शनिंग में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उनमें भी क्या करते हैं? ये अपना फंक्शन दिखाते हैं। ठीक है, अगर सेल डैमेज हो जाता है, अगर एक सेल ही डैमेज हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं? लाइसोसोम में बर्स्ट द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। सो लाइसोसोम सेल के अंदर क्या होता है? बर्स्ट हो जाता है, जिसके वजह से उनका डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल्स को ही क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है जो सेल। ठीक है, एक पर्टिकुलर पूरे सेल को ही वो डाइजेस्ट कर सकता है और इसलिए उन्हें एक सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, डेट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा एटीपी यहाँ जनरेट होता है। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
adenosine triphosphate, that is energy currency of the cell. So यहाँ पे energy currency बनता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, power house of the cell. Here it this is the structure of mitochondria. ठीक है, outer membrane, inner membrane, ribosomes होता है. Ribosomes क्या produce करता है, protein. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग से डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ग्रैन्यूल्स, मैट्रिक्स, ठीक है, एटीपी सिंथेस, पोरेंस, फ्री रेडिकल्स, एटीपी, ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलिज, एक अलग से ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास क्या होता है, खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं. इनके अलावा कहीं और किसी और ऑर्गेनेलिज के पास ये दोनों चीजें नहीं होती. देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स. नाउ प्लास्टिड्स. ओके, सो प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होते हैं, ओनली प्लांट सेल में. ठीक है, प्लास्टिड टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट यानी जो कलर प्लांट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर जो बहुत सारे वेरियस कलर्स दिखाई देते हैं हमें, दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट. ओके, ल्यूकोप्लास्ट यानी व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स. प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ग्रीन कलर का जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. ठीक है, तो जितने भी कलर प्रोवाइड कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट. क्लोरोफिल भी क्रोमोप्लास्ट ही है. ठीक है, नाउ ल्यूकोप्लास्ट क्या कहाँ कलर प्रोवाइड करता है, स्टार्च जो कि मोस्टली व्हाइट और कलरलेस होता है. ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का वर्क क्या है. नाउ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर. ठीक है, प्लास्टिड में बहुत सारे लेयर्स होते हैं एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा. ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा होता है. ये जो सेल होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा. प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. ठीक है, सो प्लास्टिड्स इनके अंदर, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर ही होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. इसलिए कहा गया था कि ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा ऑर्गेनेलिज है, पर प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स भी होते हैं जिनके पास भी अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है. हियर यू कैन सी प्लास्टिड. ठीक है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में यहाँ ये देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्लास्टिड्स का. ठीक है, यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर बना है, डेट इज स्ट्रोमा, ग्रैनम, इन्हें ग्रैनम कहा जाता है, और ये पूरा जो पाइल स्ट्रक्चर है इन्हें कहा जाता है थैलेकॉइड. क्लियर है, क्लियर. ये सब अलग अलग कलर हैं, कलर्स के नाम दिए गए हैं. नाउ द लास्ट वन इज वैक्यूल. ठीक है, वैक्यूल क्या है, स्टोरेज सैक है. ठीक है, फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए जगह. ये एनिमल सेल्स में क्या होती है, हमने वैक्यूल देखा था, एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और ना के बराबर होते हैं, छोटे और ना के बराबर होते हैं. और प्लांट सेल में क्या होता है, जो मोस्ट पार्ट होता है वो वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा सा पार्ट क्या होता है, ये वैक्यूल होता है. ठीक है, सो यू कैन सी वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स. ठीक है, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में हैव 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. सेल का 50-90% भी हो सकता है प्लांट सेल के अंदर. इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी. शेप यानी लिक्विडी पार्ट. ओके, तो टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, then many substances of important in life of the plant cell are stored in vacuole. तो बहुत सारी जो चीजें manufactured होती हैं जो कि अभी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत हो सकती हैं, वो कहाँ stored होती हैं, they are stored in vacuoles. These include amino acids, क्या क्या हो सकते हैं, amino acids, sugar, various organic acid and some proteins. In single cell organism like amoeba, the food vacuoles contains the food items and that amoeba has consumed. ठीक है, तो vacuole का काम क्या होता है amoeba के अंदर, और उसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स वो खाते हैं वो कहाँ आता है, वैक्यूल के अंदर रहता है.
Some unicellular organisms, specialized vacuoles, also may play important role in expelling excess water and some wasted from the cell. So, कई organism में जो excess water होता है और waste और चीजें होती हैं वो भी बाहर निकालने में कौन help करता है? Vacuole help करता है. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of organization of its membrane and organelles in a specific way. ठीक है, तो हर एक जो भी cell होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है? अब पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स के बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, वो उन्हें काम करते हैं और इस तरीके से एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्टार प्रिपेयर होता है. दिस हेल्प्स इन द सेल ऑफ सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स. ओके, दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ.